नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरेटर फंडा में स्वागत है। दोस्तों, ये क्रूज का डिगी है 125 KVA का। तो यहाँ से मॉर्निंग में कंप्लेंट ऐसी आई थी कि हमारा जो डिगी है वो कंट्रोलर में से स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज अब हम आए हैं और डिगी को चेक करने के लिए दोस्तों, और हमने आके इसके कंट्रोलर में से जैसा ही डिजी को स्टार्ट किया दोस्तों, तो डिजी देख रहे हो ये हमारा चालू हो गया है। तो आप देख सकते हो डिजी हमारा चालू है दोस्तों। एक्चुअली देखने गए तो इस डिजी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कस्टमर को पता ही नहीं। उन्होंने एक बार ही चालू किया और चालू नहीं हुआ तो हमको कॉल करके यहाँ पर बुला लिया। ये यहाँ के वॉचमैन है, गार्ड है, इन्होंने भी हमारे से बात की थी और हमको बोला कि सर हमारा डीजी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कभी कभार क्या होता है दोस्तों, जब हमारा डीजी हम बंद करते हैं तो उसका जो स्टार्टर का बेंडेक्स है वो फ्लाईव्हील के रिंग में मैच नहीं होता है बरोबर, तो उस टाइम खाली कट कट हवा जाएगा, बट आपका जो इंजन है वो घूमेगा नहीं, स्टार्टर उसको बरोबर से घुमा नहीं पाएगा फ्रेंड। तो उस टाइम क्या करना होता है कि ये जो फ्लाईव्हील है उस फ्लाईव्हील के अंदर, ये जो फ्लाईव्हील है इस फ्लाईव्हील के अंदर छोटा सा आपको एक राउंड घुमाना होता है, तो उसके लिए आपको एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लेके उसमें डाल के उसको एक राउंड घुमा लेने का। तो उस टाइम क्या होगा, जो हमारा बेंडेक्स है वो छुट्टा हो जाता है और जनरेटर को जब दोबारा आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो आप देख सकते हो हमारी जो बैटरी है वो बैटरी भी अभी चार्जिंग हो रही है, 12-13 दिखा रहा है, यानी कि जो हमारी बैटरी है दोस्तों वो बैटरी बरोबर से चार्ज भी हो रही है। अब हम इस डीजी को एक 20-30 मिनट्स विदाउट लोड रनिंग करवा लेंगे ताकि जो बैटरी है वो भी थोड़ा सा चार्ज हो जाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये क्रूज पावर का डीजी था, तो हमने इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया है दोस्तों। तो आप सभी का मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप दोस्तों प्यार बनाए रखिए और मेरी चैनल को, अगर आप नए हो, नए मेरे व्यूअर्स हो, तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का, दिल से थैंक यू।